शुभमन आपके क्रिकेट के बारे में या आप लगा लें आपकी जर्नी के बारे में अभी इतना लोगों को नहीं पता तो हम सब जानना चाहेंगे कि ये आपकी आठ साल की नौ साल की जब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब की कैसी स्ट्रगल रही है और आपने कैसे 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 अचीव किया और आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आपने क्रिकेट शुरू करी इसलिए मेरे पापा को काफ़ी शौक था क्रिकेट का तो वो देखते रहते थे टी वी तो मैं तीन चार साल का था तो मुझे भी वो देखते थे तो मैं भी देखने लग जाता था और जब कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता था जो भी वो शॉट मारता उसको इमिटेट करने की कोशिश करता था तो फिर जैसे पापा चले गए उन्होंने दो तीन बार ऐसे देखा कि मैं अब खुद ही लगा हुआ हूँ तीन चार साल का और बिल्कुल परफेक्ट नहीं बट अच्छे से इमिटेट कर रहा हूँ उस बैट्समैन को फिर जैसे सामने दीवार होती थी उस पर बॉल मारता था और वो बॉल वापस आती थी और जैसे खेलता रहता था सामने तो वो जो स्ट्रीक होती थी कि बिना बॉल इधर उधर नहीं जानी चाहिए वैसे ही आ रही है और मैं मार रहा हूँ फिर वो आ रही है और मार रहा हूँ तो ऐसे उन्होंने देखा कि ये तो ठीक ठाक खेल रहा और उनको काफ़ी इंटरेस्ट था ख़ुद भी क्रिकेट का तो फिर उन्होंने देखा कि यार इसमें मे बी इसमें भी तीन चार साल का है जनरली वॉक करना या भागना शुरू करता है mm -hmm. बच्चा बट मैं तब जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उनको लगा कि इसमें है कुछ मे बी ये बन सकता है और क्योंकि उनमें खुद बहुत इतना ज़्यादा शौक़ था तो उन्होंने वहाँ पर जो हमारे जैसे गाँव में काम करते थे वहाँ पर जो सीढ़ी होते हैं काम करने वाले उनको बोलते हैं हाँ जी उनको बोलते थे कि आ जाओ कि थोड़ा बॉल डालो तो उनको खेलता था मैं काफी काफी देर फिर वहां से हम जब मैं सात साल का था फिर चंडीगढ़ आए क्योंकि वहां पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी फिर चंडीगढ़ तो बिलोंग करते हो मैं जलालाबाद के पास हमारा गांव है चक खेड़े वाला वहां से ओके फिर वहां से मोहाली आए मोहाली में पता लगा कि अच्छा ये अकेडमी होती है पहले तो कोई रूट नहीं पता था बस ये पता था कि खेलना होता है फिर पता लगा कि पहले डिस्ट्रिक्ट होती है डिस्ट्रिक्ट के पहले उसके ट्रायल होते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट <laughs> के पॉबेबल्स निकलते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट होती है फिर जो डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करता है फिर स्टेट होती है फिर ऐसे ऐसे आगे होती है तब मतलब सोचता था तो लगता था कि यार पहले डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करना है फिर स्टेट में करना है फिर इंडिया के प्रॉबेबल्स में आना ये एज ग्रुप की उसके बाद फिर हर एज ग्रुप में ऐसे करते रहना करते रहना फिर जाके इंडिया में कहीं चांस मिलेगा बट तब एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस टाइम लगती है कि जो 19 इंडिया में अच्छा करता है उसको जल्दी चांस मिल जाता नहीं तो क्योंकि अगर रणजी ट्रॉफी वाला दो रस्ते या तो रणजी ट्रॉफ़ी से आप करके तो जाओ हाँ। या नाइनटीन इंडिया में जिसने बहुत अच्छा किया तो वो लगता था कि अगर नाइनटीन इंडिया में अगर अच्छा हो जाए तो फिर आगे इंडिया के लिए खेलने में जल्दी मौका मिल सकता है हाँ। क्योंकि रणजी ट्रॉफी वाला काफी वो बहुत पेशेंस वाला रास्ता है क्योंकि काफी काफी साल लोग अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं क्योंकि नाइनटीन में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिलता है ज्यादा मिलता है तो उधर से थोड़ा होता है कि अगर यहाँ पे अच्छा हो गया तो मे बी आगे हो सकता है बिल्कुल और आईपीएल पी ने भी अभी तब आईपीएल भी काफी हाँ जी वो जो एक गैप था डोमेस्टिक क्रिकेटर्स इंटरनेशनल क्रिकेटर का जो उसमें पहले सीधा डोमेस्टिक से जो इंटरनेशनल जाता था वो काफ़ी बड़ा, gap बड़ा होता गैप होता था बट आई पी एल ने वो गैप काफ़ी uh, कम कर दिया और जैसे जैसे आप खेलते जाते हो परफॉर्म करते रहते हो आपका कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स में सबसे मेन चीज़ आपको अपने आप पे कितना विश्वास है सब आपको अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और जैसे, जैसे जैसे आप खेलते रहते हो और कॉन्फिडेंस लोग बात करते हैं कि यार वो जितनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं करोगे आप तब तक आप खुद पे बिलीव नहीं कर सकते आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा उसके लिए